नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्सस स्पिरिचुअल। मैं हूं आपके साथ प्रीति। महादेव शिव का एक रूप अर्ध नारेश्वर वाला है। सभी जानते हैं कि विष्णु का मोहिनी रूप धारण कर शिव को रिझाना भी मालूम होगा। जहां देवी भागवत पुराण के छठे स्कंद में कथा है कि नारद जी के कई बच्चों की माता बने। चलिए तो आज आपको एक ऐसे राजा की कहानी सुनाते हैं जो स्त्री बने और फिर पुरुष। कहानी आज के दौर की नहीं बल्कि बेहद पुरानी है, जिसका जिक्र पुराणों में मिलता है। वेवस्त मनु के 10 बेटे थे, जिनमें से एक थे इल। इल जब शिकार करने वन चले गए, वाल्मीकि रामायण के उत्तराखंड में राजा इल की चौंकाने वाली कथा मिलती है। राजा अपनी सेना के साथ थे। जब वो अंबिका वन पहुंचे तो पुरुष से स्त्री बन गए। अंबिका वन वही था जहां भगवान शंकर देवी पार्वती के साथ वन विहार करते थे। कहा जाता है कि एक बार भगवान शंकर देवी पार्वती के साथ वन में विहार कर रहे थे। दोनों प्रेमलाप में लीन थे। उसी वक्त वहां पर ऋषि मुनियों की समूह एक वन में आ पहुंचा, जिन्हें देखकर पार्वती शर्मा गई। पार्वती की यह दशा देखकर भगवान शिव को ऋषियों का अचानक वन में प्रवेश करना अच्छा नहीं लगा। तब उन्होंने श्राप देते हुए कहा कि आज से जो पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा वो स्त्री हो जाएगा। तब से पुरुषों ने इस वन में जाना बंद कर दिया और वो जगह अंबिका वन के नाम से मशहूर हो गया। शिव पार्वती का सुरक्षित पढ़ने स्थल बन गया। लेकिन राजा इल जब शिकार करते करते अंबिका वन में प्रवेश कर गए तो वह शिव के इसी सांप का शिकार हो गए। इतना ही नहीं, उनकी सेना के पुरुष भी स्त्री बन गए और घोड़ा भी घोड़ी बन गया। अपने बदले हुए रूप को देख के राजा इल बहुत दुखी हुए और वे वन में ही रहने लगे। अब उन्होंने अपना नाम इल से इला रख लिया। एक रोज जब इला वन विहार कर रही थी तो उन्होंने खूबसूरत सरोवर यानी तालाब देखा। उस सरोवर में चंद्रमा का बेटा बुध मुनि रूप में तपस्या कर रहा था। बुध का शरीर बेहद आकर्षित और तपस्या की वजह से प्रकाशित हो रहा था। इला बुध पर सम्मोहित होती चली गई और उनके करीब पहुंच गई। ये सरोवर अंबिका वन की सीमा से बाहर था, इसलिए बुध का पुरुष तत्व अभिशाप से बचा हुआ था। जब इला पानी में उतर गई तो बुध का ध्यान भंग हो गया। उन्होंने अपने सामने बेहद खूबसूरत स्त्री इला को देखा। बुध भी इला पर दिलहार मन गए। उन्होंने सोचा कि इतनी सुंदर स्त्री कौन है जो न देवियों में है, न नाग वधुओं में, न असुर नारियों में और न अप्सराओं में। उन्होंने मन में सोचा कि अगर ये स्त्री को नहीं ब्याही गई तो मेरी पत्नी बनने योग्य है। राजा बुध पानी से बाहर आ गए और तालाब के किनारे बने आश्रम में चले गए। वहां उन्होंने इला की सखियों को बुलाकर पूछा कि ये खूबसूरत स्त्री कौन है। तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारे स्वामिनी है, यही वन में रहती है और उनका भी कोई पति नहीं। राजा बुध ने अपनी विद्या का स्मरण करके इला के बारे में सब कुछ जान लिया। दोनों एक दूसरे पर इतना मोहित हुए कि प्रेम विवाह कर लिया। इला बुध के साथ उनके आश्रम में रहने लगी। राजा बुध के कहने पर इला की सखियां एक पर्वत पर रहने चले गई। कहा जाता है कि उन सखियों से किन्नर जाति अस्तित्व में आई। कुछ समय बाद इला और बुध के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, नाम रखा गया पुरुरवा। बुध के आश्रम में अब इला को स्त्री बन के रहते हुए कई साल बीत गए। एक दिन इला को उनके बेटे पुरुरवा ने दुखी देखा। जब दुख का कारण जानना चाहा तो इला ने अपने स्त्री बनने की पूरी कहानी सुना डाली। माँ के इस दुख को दूर करने के लिए पुरुरवा पिता बुध के पास पहुंचे। तब राजा बुध बोले, वत्स में राजा इला इल के इला बनने की पूरी कथा भली भांति जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि भगवान शिव और देवी पार्वती के कृपा प्रसाद से ही उनका उद्धार हो सकता है। इसलिए तुम गौतम नदगंगा नदी के तट पर जाकर उनकी आराधना करो। भगवान शिव और पार्वती सदा वहाँ विराजमान रहते हैं, वे अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। पिता की बात सुनकर राजा पुरुरवा खुश हो गए और उन्होंने अपनी माँ को अभिशाप से मुक्त कराने के लिए गौतमी गेट तट पर स्नान करके भगवान शिव की स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति शिव प्रश्न हुए और देवी पार्वती के साथ प्रकट हुए और पुरुरवा से वर मांगने को कहा। पुरुरवा ने कहा कि आपकी लीला न्यारी है, मेरी माँ इला को दोबारा इल बना दे। भगवान शिव बोले, राजा इल गौतमी गंगा में स्नान करने के बाद पुनः अपने वास्तविक रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। इला ने गौतमी गंगा में स्नान किया, दोबारा राजा इल बन गए। इस तरह पुरुष का पुरुष के साथ संबंध बनाने की कई कथाएं हैं।